चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2 वीडियो हम लेके आ चुके हैं, जिसमें हम तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर HBSC और CBSE दोनों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, और जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ अ सीरीज, और तीसरा क्वेश्चन है स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में जो पूछा है कि व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, मतलब क्या है कि जो सोडियम है उसको केरोसिन ऑयल के अंदर जो है डुबोकर क्यों रखा जाता है। आपको पता ही है क्योंकि सोडियम जो मेटल होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव है तो उसके कारण क्या है, वो एकदम आग पकड़ लेगा अगर उसे खुले में रखते हैं तो इसीलिए क्या है सच एज सोडियम एंड पोटेशियम, आर हाईली रिएक्टिव मेटल, आर हाईली रिएक्टिव मेटल। दे रिएक्ट so they are not kept in open, इसीलिए इनको क्या है खुले में नहीं रखा जाता है। Hence to protect them they are kept immersed in kerosene oil। ठीक है, इसीलिए क्या इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मतलब क्या, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए क्या इनको खुले में नहीं रखा जाता है। हैंस टू प्रोटेक्ट देम, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस में रखा जाता है डुबोकर, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन 2, वो क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्या है मेटल्स को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। द रिएक्टिविटी ऑफ अ सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल which are arranged in decreasing order of their activities। उसको क्या है उसकी रिएक्टिविटी के एक्टिविटीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। इसमें हम क्या है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। ठीक है, हमने उसमें क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन कर ली थी, तो इसको याद कैसे करना है। ठीक है, देखो कालू ने कार मांगी आलू ज़्यादा फिरे पड़े। देखो इसको इतना याद कर लो, देखो कालू ने कार मांगी आलू ज़्यादा जेडन फिरे पड़े, यानी लेड, यानी PV लिखते हैं लेड, यानी सीसा। यहाँ तक याद करने के बाद आपको नीचे से करना है, कैसे, सोना चांदी पारा चमके। देखो सोने का सिंबल क्या होता है AU, चांदी का AG और पारे का HG,
पारा यानी कि मरकरी, और चमके यानी कौन ज़्यादा चमकता है, कॉपर, और बीच में याद कर लेना हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत आसान सीरीज है, इसको इस तरह से याद करोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है कि स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमें दो ऐसे तरीके बताने हैं जिससे क्या है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है उसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ आयरन, आयरन को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला तो आपको पता ही होगा, बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस पेंट। ठीक है, बिकॉज ये क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज आयरन डज नॉट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर। अब उसकी ये जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, उससे क्या आयरन लगने आयरन को जंग लगने से बच जाता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा जो इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वो है कि गैल्वनाइजेशन। ठीक है, गैल्वनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं हस्तलेपन विधि। इसमें क्या करते हैं कि जो आयरन होता है उसको उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, उसको किससे रिएक्ट करवाते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल को, व्हेन आयरन रिएक्ट विद हाई रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट विद हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल दैट इज जिंक। सो आयरन डज नॉट कॉन्टैक्ट, सेम बात है इसमें, डज नॉट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर, उससे क्या होता है वो मॉइस्चर और क्या नाम है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता आयरन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि जो आयरन सोडियम को हमें कैरोसिन के अंदर क्यों डुबो कर रखना चाहिए, तो क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, उन्हें अगर खुला छोड़ दें तो क्या है वो आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए क्या है उनको कैरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होती है, जब मेटल्स को किस में अरेंज किया जाए उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो इसको याद करने का तरीका बताई दिया, कालू ने कार मांगी आज आलू ज़्यादा फिरे पड़े, और नीचे से कैसे करना है, सोना चांदी पारा चमके हाइड्रोजन। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, AU यानी दैट इज सोना, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ आयरन क्या है, बाय अप्लाइंग ऑयल ग्रीस। ठीक है, और दूसरा क्या, गैल्वनाइजेशन मेथड, हस्तलेपन विधि। ठीक है, तो ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं बोर्ड में। ठीक है, बाय।